और जब आप पेपर दे आते हो तीनों फेज पूरे हो जाते हैं, तो तीन चार भविष्यवाणी इस बार हमारी एसआई की बिल्कुल ठीक बैठ रही है। आपको याद होगा कि दिन में मैं और सर आए थे और हमने कह दिया था कि 12 से आज कल में शाम तक आ सकता है, शाम को ही नोटिस आ गया पेपर का 12 दिसंबर से। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो किया, मैंने लोगों को बताया कि तुम्हारा पेपर होते ही शनिवार एंड नहीं होने देगा, तुम्हारा आंसर किया जाएगी, क्योंकि इस बार जनवरी की पहले ही वीक से तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती रहेगी वैसे वैसे आप लोगों का दौड़ शुरू होती रहेगी। आपको याद है हमारे जैसे जैसे जिस जिस की डॉक्यूमेंटेशन होती रहती थी वही अगले बैच में उनको 8 से 10 दिन के अंदर ही दौड़ का टाइम दे दिया जाता था। तो अभी हम लोग दौड़ और उसके जो फीचर हैं कि हम मोहित सरसेन का एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे जिससे कि आप जान पाओ, क्योंकि हम दोनों लोग फाइनल से ही मतलब छोड़े हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है और कट ऑफ के बारे में भी बहुत अच्छी इसके नॉलेज है थोड़ी सी। जी सर। पेपर कैसा आया है इसके बारे में, क्योंकि खुद पेपर हम लोग देकर आए थे दोनों, तो हमें पूरा पेपर का मर्म पता है। जी सर। चलिए चलिए, तो देखिए जैसे कि सर ने बताया, सबसे पहली बात तो यही है कि अभी जैसे आज एग्जाम खत्म हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से इस महीने की 20 से 25 तारीख तक का मुझे लगता है सर आंसर की आ जानी चाहिए, इसी जल्दी मतलब आंसर की का नोटिस आ गया, परसों तक आंसर की आ जाएगी, वो तो आ ही जाएगी सर, आपके आखिरी फेज थर्ड तक 4 तारीख तक आ जाएगी परसों। बिल्कुल सर, हो सकता है कल भी आ जाए। ये इसलिए कर रहे हैं ना जल्दी सर, पेपर आसान होने का मतलब पता है क्या था सर, पेपर आसान होने का मतलब यह था कि ऑब्जेक्शन ना कर पाए इस बार क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आसान दे रहे हैं तो ऑब्जेक्शन का कोई चांस ही नहीं है, एकदम सारी चीजें जल्दी होगी। आप ये मान के चलिए कि आपकी तरफ से मुश्किल से 20-25 दिन आपको रनिंग के लिए मुश्किल से मिलेंगे सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। मेरा जो विचार है, अगर परसों तक आंसर की आ जाती है जी सर, तो 10 तारीख तक ये लोग जैसे एक हफ्ते का टाइम देते हैं ऑब्जेक्शन के लिए। जी सर। ऑब्जेक्शन आई फिर आंसर की आई, तो 2 बार तो कम से कम अभी आंसर की आई, 2 बार आंसर किया, तो ये महीने के एंड तक आंसर की निकल जाएगा, लेकिन इसी साल में रिजल्ट आ जाएगा, मतलब दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा रनिंग वाला, जैसा हमारा आया था। हाँ हाँ। उसके 10 दिन 12 दिन 15 दिन के अंदर रनिंग शुरू हो जाएगी, पहले डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन लोगों का होता रहता है वो लोग रनिंग के लिए जाते रहते हैं, जनवरी तक में जो है जनवरी में लोग दौड़ कराएंगे। हाँ हाँ, पक्का। मुश्किल से हम ये कह सकते हैं सर इनके पास में 40 से 45 दिन आज से है रनिंग के लिए। चुनाव के पहले कौन कौन सी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी सर? देखिए सबसे पहले तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको जो है अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है इसका सर, इसमें इनको ये भी फायदा होता है, जैसे आपका अगर CCC वगैरह है, आपका ओ लेवल का है या फिर NCC का सर्टिफिकेट है, इनको जरूर लेके जाइए, क्योंकि इससे आपका जैसे आपका मान लीजिए 2 बच्चों के नंबर सेम है, उसके भी उतनी है, उसके भी उतनी है, वो तो उसको प्रीफरेंस ज्यादा मिलेगी, तो हर एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले, कहने का मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले अपने, कहीं ना कहीं ये ना सोचे। लड़कों की जो छाती के नाप तोल होती है ना हाइट की, लड़कियों की तो सिर्फ हाइट की नाप तोल होती है, वजन की होती है, लड़कों की छाती की भी नाप तोल होती है, तो वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही हो जाएगी सारी चीजें, वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी आपको इसके लिए प्रक्रिया की एक अलग से वीडियो भी हम लोग बना देंगे। सर बिल्कुल बना देंगे। अभी जो महत्वपूर्ण बात है वो आप लोग सुनिए। देखिए हमें ये तो नहीं पता कि आप कितने क्या करके आए हो, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर ऊपर नीचे होंगे, नेगेटिव नहीं था वो तो नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नंबर जरूर ऊपर नीचे होंगे। बिल्कुल। अब हमारी बात सुनिए, हमने प्रश्नों के आधार पर कुछ एक अपना लगाया है हिसाब किताब, पिछले कट ऑफ, इस बार के पेपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, वैकेंसी कितनी, वो सबको ध्यान में रखते हुए, तो ये कट ऑफ एक संभावित है। अगर तुम्हारे इतने प्रश्न हैं तो गारंटी तुम लोग रनिंग में तो जाओगे। देखिए ये फेज वाइज हमने थोड़ा सा लिया है, जैसे जैसे फेज बदलते जा रहे थे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा था। जनरल की फर्स्ट फेज 105 से 107 प्रश्न अगर आपके सही है आप लोग रनिंग की तैयारी कीजिए। सेकेंड फेज 102 से 105 प्रश्न और थर्ड फेज अगर आपके 100 प्रश्न प्लस सही हैं दौड़ के तैयारी कीजिए। ओबीसी 102 से 105, सेकेंड फेज 100 से 102 और थर्ड फेज 98 से 100 प्रश्न अगर आपके ठीक है। SC ST हो सकता है कि इससे ज्यादा इससे नीचे जाएगी, नहीं हो सकता इससे भी नीचे हो, 90 के आसपास हो, तो 90-95, 90-92 और यहां पर अगर थर्ड फेज में 85+ भी सही है आप लोग भी अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। EWS कैटेगरी में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना, 100 से 102 फर्स्ट फेज, 98 से 100 सेकंड फेज
और साथ ही थर्ड फेज में 95 से 100। चलिए स्वतंत्रता सेनानी देखिए 80 नंबर तो 80 क्वेश्चन तो 160 में से करने ही करने थे, क्योंकि 50% तो मेरिट में आने के लिए जरूरी था। तो मैंने उसी हिसाब से स्वतंत्रता सेनानी जितने भी लोगों का 80-85 प्लस है उनका सबका तय है, इसी तरह सर्विसमैन का 80-85 आप सिर्फ मेरिट में उतने कराए, मतलब 50% से आपके क्वेश्चन ज्यादा हो, 160 कुल क्वेश्चन थे, 50% मतलब 80 प्लस होने चाहिए, आप लोगों का आ जाएगा। अब जो गर्ल्स का क्राइटेरिया है, तो गर्ल्स वाले जो क्राइटेरिया है, गर्ल्स अपना ये जो वाला क्राइटेरिया होता है क्या बोलते हैं ओबीसी वाले क्राइटेरिया में खुद को लेकर चले गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी भी तो उसी हिसाब से कम है। कुछ करके आप ये भी कह सकते हो एससी एसटी में भी, मतलब मेरे विचार में आप लोग इन दोनों के बीच में कहीं लेकर चलो गर्ल्स को, समझे बच्चा। जो लड़कियों की कट ऑफ है वो 95 से 102 यहां पर कर सकते हो, यहां पर 92 से 100 कर सकते हो, यहां पर 95 से 95 85 से 95 तक कर सकते हो। ये हमारे बीच में हमारे हिसाब से अगर तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सही बैठते हैं, तुम इस पर रनिंग की तैयारी करो बेहिचक, परसों तक आपके आंसर किया जाएगी, आप हमें भी बता देना, ये गारंटी है कि हमने सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, ये बात तो मानते हो। अब प्रोबेबिलिटी भी ये कहती है कि जब ज्यादा बच्चे हैं तो सिलेक्शन भी चांसेस हैं जी, पढ़ाया भी उस लेवल का है कि कुछ चीजें छोड़ी नहीं है। बिल्कुल सर। तो मैं तो सारे सब्जेक्ट पर गौर की गई, टॉप से टॉप अच्छे से अच्छे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, संविधान हो, एक आपको लेवल देने की कोशिश की गई, ये बात आप मानते हो, कहीं भी कोई कमी, रिवीजन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई, कोई नहीं, चार चार पांच पांच बार, केवल आखिरी महीने, किस केवल आखिरी महीने वो वाला बच्चा जो कभी नहीं पढ़ा वो पढ़ के एग्जाम निकाल के आया जबरदस्त तरीके से, और जिसने केवल एनालिसिस देखा है, केवल एनालिसिस उसे भी एकदम डिजिट चेंज नहीं है। आखिरी वीडियो जो पढ़ी है ना सर की, देख लो मेरी देख लो, उसके नीचे कमेंट देख लेना, खुद कहने की जरूरत नहीं है, एक एक बच्चे ने बताया सर कम से कम ऐसा तो कर देते कि डिजिट चेंज हो जाती, डिजिट भी चेंज नहीं हो रही है, कमाल की बात। रीजनिंग में सर देखिए, रीजनिंग में कितना बढ़िया तरीके से बताइए, देखिए कहने का मतलब है कि जो अगर आप जैसा कि सर ने बताया कि एक तो तैयारी आप कर रहे हैं साल दो साल तीन साल से एग्जामपुर से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है आखिर में 3 महीने 4 महीने अंतिम महीने में जुड़े हैं और उनका बेसिक ठीक था, मतलब बेसिक का मतलब समझ थी कि गणित क्या होता है रीजनिंग क्या होता है, उस 2 से 3 महीने में जो आपने मेहनत की है ना, और हम लोगों जो बीच बीच में मैराथन लाते रहे और उस मैराथन का फायदा ये हुआ कि उस मैराथन में जितने भी टॉपिक ना जितने भी टाइप के प्रश्न थे सब उसी में थे जी सर, तो केवल उसको रिवीजन करना जैसा कि आपने बताया कि कमेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, वही बात है प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसलिए यही बोलूंगा कि आपने मेहनत की है उसका परिणाम आपके समक्ष जी सर, ऐसा ही परिणाम आपको दिखेगा, 19.5-20 का बारीक अंतर हो सकता है लेकिन हुबहू परिणाम आपके सामने। बिल्कुल सर, क्योंकि इतना बात सर, वैकेंसी की भी बात करें हम लोग, वैकेंसी भी 3 गुना है सर, 3 गुना, 3 गुना वैकेंसी है, और जबकि कंपटीशन केवल डबल है, डबल है, क्योंकि 5-6 लाख फॉर्म थे पहली बार भी, इस बार 12 लाख के आसपास है, और सबने पेपर भी नहीं दिया है सर, नहीं सबसे सर, कुछ स्टूडेंट और कुछ बच्चे इसमें भी होते हैं कि मेरा 105 है तो मैं क्या करूं, आपका ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ना दोस्त, ये कट ऑफ मान के चलिए 105, अगर आप यू आर मानता हूं आपको अनरिजर्व मानता हूं तो या आप मान के चलिए 105 भी प्रश्न आपके सही है ना, तो आप आराम से रनिंग कर सकते हैं। रनिंग और इसमें सर ये भी है सर, जैसे 2016 वाला हमारा जो केस है अभी चल ही रहा है, उसका ऑर्डर नहीं आया है, तो उसके जो बच्चे सेलेक्टेड है उसने भी एग्जाम दिया है, तो उनमें कहीं ना कहीं वे वाले बच्चे भी छट जाएंगे, बहुत सारे बच्चे तो वैसे भी इधर उधर हो जाने वाले हैं। अरे इसमें ना बहुत सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए थे, जैसे कांस्टेबल वगैरह, तो इतना लेवल नहीं था बहुत से को, मेरा 140 करके आया हूँ, लेकिन जब उससे और अच्छे से पूछा 120 के प्लस सही लग रहे हैं, और पूछा तो 110 पे आ गया। एनालिसिस में ही एक ने बोला कि मैंने कैलेंडर मतलब 40 में से 38 किया, दो तीन प्रश्न एनालिसिस में ही बताया, तीनों की तीनों गलती, मतलब कैसा मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स, वहां पे 3 आ रहा तो 4 उत्तर दिया, ऐसी ऐसी गलतियां एग्जाम में होती है, इसलिए जब आप 140 थोड़ा पेपर लेंदी भी था, थोड़ा सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती इधर, अभी एक्चुअल में उसके ऊपर भी झड़ना प्रदर्शन है, उसी के ऊपर केस चल रहा है कि किस तरह इसमें जो होता है सेक्शनल 35% तो होगी 35% मतलब 40 प्रश्नों में से 35 तो करने होंगे 14 के आसपास, लेकिन
जो ओवरऑल 50% से प्लस होने चाहिए, फिर उसके इनके ऊपर होने चाहिए जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल होगा, टोटल कट ऑफ लगेगी आपकी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी हर सेक्शन में कट ऑफ नहीं, वो तो क्राइटेरिया, वो तो क्राइटेरिया है, वो तो 14 क्वेश्चन ठीक करने ही है आपको हर सेक्शन में। ओवरऑल आपको 50% भी लेकर आने, ऐसा नहीं है कि 14 क्वेश्चन करके आपने कार्यक्रम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। टोटल आपको 80 क्वेश्चन का भी जवाब देना सही होगा, उसके बाद जो कट ऑफ होगी वो फाइनल लगेगी, सेक्शन नहीं होगा, सेक्शनल नहीं होगा, ये बिल्कुल एकदम ओवरऑल कट ऑफ ही आपको दिख रही है कि इतने क्वेश्चन करेंगे जिसका सही होगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, आप लोग अपने आप में इतने विचलित मत होइए, हम क्या होते हैं ना कि अब दुनिया में घूमते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, मैं कितने होगा मेरा नहीं होगा, पेपर हो गया ना, आगे की तैयारी कीजिए, लेखपाल कांस्टेबल पे ध्यान दीजिए, आगे कोई और पढ़ाई करनी है, आईएएस पीसीएस जो भी तुम्हें करना है। आज ही तो कॉलिंग टीम में एक स्टूडेंट का फोन आया था, तो उसने कहा कि मेरा एग्जाम खराब हो गया, मेरे नंबर 95 आएंगे, 95 ठीक है। तो फिर कैटेगरी के बारे में जिक्र किया कि एससी एसटी की कैटेगरी से था, ठीक है। तो सवाल ये है कि इतना डिमोरलाइज हो गया कि बोलता है सर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कांस्टेबल लेखपाल की तैयारी कर रहा हूँ, वो नहीं, मतलब मन संतुलित नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए बता दीजिए एक बार। इसमें ना कोई परेशानी की बात नहीं यार, ये पेपर आते जाते रहते हैं, अच्छी तैयारी होती, कभी कभी हमारा दिन अच्छा नहीं होता, जैसे हमारी अच्छी तैयारी दिन अच्छा नहीं है तो कितने बार पेपरों में फेल हुए, कितने बार पेपरों में नंबर नहीं आया, ये तो एक मौसम है, वो आता जाता रहता है, ठंड भी आती है गर्मी भी आती है। प्लान लेके तो चलना चाहिए कांस्टेबल और लेखपाल की तैयारी, बिल्कुल सर, जीवन थमता नहीं है ना। मैंने तो बहुत से ऐसे लोग देखे, कांस्टेबल नहीं निकला, बहुत मेहनत की और अच्छा एग्जाम निकाल दिया, जी सर, अरे पे कभी कांस्टेबल नहीं निकला, 2011 वाला निकला तो ऐसा ही निकल गया और ऐसे भी है जिसमें 2011 का जो है एसआई नहीं निकला लेकिन कांस्टेबल निकल गया, तो वो